पति पत्नी के बीच रील को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। जानकारी के मुताबिक पति को पत्नी का रील बनाना पसंद नहीं था। पत्नी जो रील बनाती थी उस पर अश्लील कमेंट्स आते थे, इसी वजह से पति ने पत्नी को रील बनाने से मना कर दिया। इसके बाद जब पत्नी नहीं मानी तो दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद पति ने अपनी जान दे दी। मामला राजस्थान के अलवर का है। रेणी थाना इलाके के नागलबास गांव में रहने वाला सिद्धार्थ दोसा में स्वास्थ्य विभाग में LCD के पद पर कार्यरत था। 1.5 साल पहले पिता की जगह अनुकंपा पर उसकी नौकरी लगी थी। कुछ साल पहले सिद्धार्थ की माया नाम की लड़की से शादी हुई थी। पत्नी को रील बनाने का शौक था। माया की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी हो गई थी। इसके बाद पति को रील पर आते कॉमेंट से आपत्ति होने लगी। रील को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ता चला गया। एक दिन पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई। उधर माया ने ये कहकर थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि वो शराब का आदी हो चुका है, जिसके चलते दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता है। इसके बाद पति ने सोशल मीडिया पर लाइव के माध्यम से अपनी बात सामने रखी। पति ने अश्लील कमेंट करने वालों को जवाब भी दिया। लाइव के दौरान मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए पति ने कहा, मैंने आज तक रील नहीं बनाई, मेरी अगर कोई गलती हो तो बता देना। मेरा माया से पर्सनली कोई लड़ाई व झगड़ा नहीं है, वो मेरे भाई को फंसाना चाहती है, बस यही मेरी लड़ाई है। मैं अपने भाई के साथ हूँ। जो समझदार आदमी होगा तो वो खुद समझ जाएगा। कभी परिवार में कई तरह की दिक्कत होती है। समझदार आदमी बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं। जब तुम्हारे घर में ऐसा होगा तब तुमको समझ आएगा। मैं परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकता, ना टूटने दूंगा। इसके लिए मैं अपनी जान भी लगा दूंगा। ऐसी पत्नी और लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी। अगर मैं मरता हूं तो मेरा नॉमिनी भाई को बनाया जाए। मुझे अपने ससुराल और पत्नी से कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई और उसके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। बता दें, बीते शुक्रवार 5 अप्रैल को सिद्धार्थ ने जान दे दी। परिवार वालों ने इस मामले में FIR दर्ज कराई है। सिद्धार्थ और माया की 3 बेटियां और 1 बेटा भी है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि सिद्धार्थ ने जो बातें लाइव में कही उस एंगल को भी जांच पड़ताल में शामिल किया जाएगा। उधर माया के सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। माया के अकाउंट पर देखा जा सकता है कि पति सिद्धार्थ उसकी रील्स में शामिल होता था। माया के अकाउंट में ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें वो पति के साथ बाइक चलाते और अपने साथ बिठाकर गाने पर रील बनाती नजर आ रही हैं। मामले में परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं। मृतक की पत्नी और बच्चों से भी पूछताछ की गई है। माया का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया जा रहा है। पुलिस का कहना है जिन लोगों ने कमेंट किए थे उनसे भी संपर्क किया जाएगा।